हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं रेपिड रेल के बारे में अपनी वीडियो को। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड एंड तक बने रहना। सो NCERTC द्वारा ये रेपिड रेल का जो कार्य है वो लिया गया है। सो इसका जो मेन उद्देश्य वो है कि जो रेपिड रेल है RRTS वो दिल्ली को सेटेलाइट सिटी से जोड़ने के लिए काफ़ी कारगर है, जो कि मेन NCR में चलेगा। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए 3 लाइन्स बनाई जाएंगी, जो मेनली आपका हरियाणा, पानीपत, अजमेर एंड मेरठ। लेकिन प्रायोरिटी जो इसके लिए दी गई है वो दिल्ली से लेके मेरठ के लिए दी गई है प्रायोरिटी, जिसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। लोग काफ़ी तेज़ फास्ट कर सकेंगे अपने ट्रैवल को। सो जिसमें जो प्रायोरिटी है वो दिल्ली टू मेरठ है, जो कि आपके गाज़ियाबाद होते हुए आपका मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी ये रैपिड ट्रेन। सो जिसमें कि आपका शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कर दिया था इसका 9 मार्च 2018 को। और इसका जो डिपो है वो कल मोदीपुरम में होगा इसका मेरठ के, एंड कास्टिंग यार्ड इसका आपका वसुंधरा में है और सेकंड कास्टिंग यार्ड इसका मेरठ के शताब्दी नगर में है। मतलब फुल स्विंग में इसका वर्क चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि मतलब काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग, और मतलब जो इसकी स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर्स की होगी। जो इसका डिज़ाइन दिया गया है वो बॉम्बार्डियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, पूरा एरोडाइनमिक्स को ध्यान में रखते हुए। आप देख सकते हैं जो इसको ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, तेलंगाना में इसकी डिज़ाइनिंग होगी हैदराबाद में, और गुजरात में इसके प्लांट्स हैं जहाँ पे ये तैयार होंगे, इनके मैन्युफैक्चरिंग होगी। सो सारा का सारा जो काम होगा वो मेड इन इंडिया के तहत होगा। सो एंड एक महीने एंड बॉम्बार्डियर इसको काफ़ी जो मेन वो है पार्सल प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के इसके स्टेशन का लुक होगा, जैसे आप देख सकते हैं भाजपा के काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मीन्स काफ़ी अच्छी तरह से इसमें हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी होंगे एंड एक महिलाओं के लिए रिजर्व भी होगा, जैसे कि आप मेट्रो जो देख सकते हैं। और काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, जो काफ़ी जरूरी है, लगे स्पेस, वाईफाई से लेस, मीन्स जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एरोडाइनमिक्स मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसका एंड एलिगेंट डिज़ाइन है, विद सब कलर कॉम्बिनेशन आपको देखा जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छा इंडिया का लोगो प्रोवाइड किया जाएगा इसके, एंड इसको काफ़ी लाइट वेट बनाया गया है लो कार्बन स्टेनलेस स्टील से। बिकॉज जो इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर पर आर होगी, एंड इसकी मीडियम स्पीड 150 के अराउंड होगी, एंड जो एवरेज होती है वो उसकी 100 किलोमीटर पर आर होगी। और इसमें ब्रेकिंग की मीन्स ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है न्यू जनरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, वेदर प्रूफ कंडीशन इसमें प्रोवाइड होंगी। तो आप देखिए इसको फर्स्ट लुक, एंड ये तो लाइन है आपकी 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। 82 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है दिल्ली एंड मेरठ का वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।